हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक तराजू। तो JKSSB Class 4th का एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, और इस साथ ही जहाँ पे बात करने वाले हैं कि 4th क्लास का पेपर कैंसिल हो सकता है। तो जहाँ पे एक पहले मैं आपको एक जहाँ पे वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद जहाँ पे नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को जहाँ पे सुन लीजिएगा, उसके बाद जहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे। नजरसानी किया जाए और जो पेपर हुआ मैं तो चाहूंगा कि ये पेपर जो है कैंसिल किया जाए, क्योंकि आप यकीन मानो कि जो पेपर बच्चों ने दिया टोटल टफ था, 10th बेस का नहीं था, क्योंकि उनमें वैसे तैयार की बच्चों ने 6 महीने भी पढ़ा इसमें, कुछ ने 8 महीने भी लगाए, कुछ ने कोचिंग भी की, जितना उन तक हो सके तैयारी की है। लेकिन जब तो आप जहाँ पे देख सकते हो सोशल मीडिया पे काफी सारे वीडियो जो है वो इस समय जो है वो डाले जा रहे हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि पेपर जो था वो पेपर का लेवल जो था काफ़ी हाई था और पेपर जो है वो कैंसिल होना चाहिए। तो जिस तरह से बच्चों ने जहाँ पे तैयारी की थी 4th क्लास की कि उनका जहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, उनका नंबर 100% आ जाएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट जहाँ पे श्योर थे कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी उन्होंने जहाँ पे मेहनत की है, लेकिन जब वो पेपर देने गए तो पेपर का लेवल देख के वो बहुत ही जो निराशा उनको हाथ लगी है और पेपर जो है वो अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो जहाँ पे बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल जो था वो काफ़ी हाई था, क्योंकि जहाँ पे जो फॉर्म लगे थे वो 10th और 12th, जहाँ पे बोला गया था कि जहाँ पे सिर्फ जो है वो 10th और 12th वाले ही एलिजिबल होंगे, लेकिन जहाँ पे ग्रेजुएशन वालों ने भी ये पेपर दिया हुआ है। और साथ ही जहाँ पे पेपर की बात करें, लेवल की बात करें, तो पेपर का जो लेवल था वो जहाँ पे आप PG लेवल बोल सकते हो, काफ़ी हाई लेवल का पेपर पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स ने जहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन किए हुए थे, चाहे वो जनरल नॉलेज के हो, मैथ के हो, काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन जब पेपर देने गए तो वहाँ पे पेपर चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, आपका चाहे जनरल नॉलेज का हो, काफ़ी जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि जो 10th 12th बेस का पेपर लेवल होता है वो इससे थोड़ा कम होता है। लेकिन जहाँ पे काफ़ी हाई लेवल का पेपर था और बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं जहाँ पे कह सकता हूँ कि मैथ 60 भी जो है वो 60 मार्क्स के भी पार में नहीं कर पाए होंगे, यानी 60 नंबर भी उनके लिए लेना जहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो गया था। यानी जिन स्टूडेंट्स ने जहाँ पे 80+ सोचा होगा, वो भी जहाँ पे 60-50 के बीच में ही उनके नंबर आ रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना हाई था। तो मैंने जब खुद पेपर दिया है और कई बार मैं जहाँ पे पेपर दे चुका हूँ, लेकिन इस बार का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा सा हाई था, यानी कि 10th 12th बेसिस पे जो पेपर होते हैं उनका लेवल इतना हाई नहीं होता। तो जहाँ पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जहाँ पे बात करें, जिस तरह से 10th और 12th लेवल की बात करें, तो पेपर का लेवल हाई था और स्टूडेंट्स जहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो पेपर नहीं कर पाए हैं। तो जहाँ पे आपका जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार जो एग्ज़ाम है, वो भी काफ़ी कम रहने वाला है। तो एक बात जो जहाँ पे क्लियर है कि पेपर जो है वो कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी जहाँ पे पैसा खर्च करवाया जाता है एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में, काफ़ी सारे जो है वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दिया हुआ है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, तो पेपर कैंसिल तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स का जहाँ पे मानना है कि पेपर का लेवल हाई था और पेपर जो है वो कैंसिल होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, जो पेपर का लेवल कैसा था, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? अगर आपने 4th क्लास का पेपर दिया हुआ है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स जहाँ पे जो है वो कितने मार्क्स जो है वो ले पा रहे हैं।